नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, जीवन में लगातार असफलता देखने को मिले तो तनाव बढ़ता है और सोच भी नकारात्मक होती है। इसी वजह से धन की कमी होती है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार कुछ उपाय से नकारात्मकता दूर की जा सकती है। वैसे तो भगवान को केवल सच्चे मन से की गई भक्ति ही प्रसन्न करती है, लेकिन अगर साथ ही कुछ बातें अपने जीवन में अपना ली जाए तो व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको सुबह उठकर क्या करना चाहिए और क्या करने से आपको बचना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक आदत भी आप अपने जीवन में अपना लें तो खुद आप अपने जीवन में जल्द ही फर्क महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि किस तरह आपके सभी बिगड़े काम बनने लगे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सुबह उठने के बाद कौन से वो शब्द है जिन्हें आपको बोलना है, जिससे आप भगवान को अति प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा और धन की प्राप्ति होगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भोलेनाथ के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए और भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, भोले भंडारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सुबह घर के बाहर रंगोली बनाना कितना शुभ है। रंगोली से घर में सकारात्मकता बढ़ती है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता हमारे घर की ओर आकर्षित होते हैं और यही कारण है कि शुभ अवसर पर खास तौर से घर के मुख्य द्वार पर सुबह रंगोली बनाई जाती है, ताकि भगवान घर में प्रवेश करें और सदैव वास करें। सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे में जल भरे, लोटे में तुलसी की पत्तियां डाले। तुलसी की पत्तियां डाले हुए इस पानी को घर के मुख्य द्वार और सभी कमरों में छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। सुबह उठने के बाद तुलसी को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते हुए भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। घर के मंदिर में रोज सुबह घी का दीपक लगाएं। अग्नि शक्ति का प्रतीक है और देवताओं को प्रिय है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। सुबह पूजा करते हुए घी के दीपक और कपूर के धुएं से घर की पवित्रता बढ़ती है, वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए दीपक और कपूर को सिर्फ घर में मंदिर में जला करके ना छोड़ें। दीपक लेकर एक बार पूरे घर की परिक्रमा करें, पूरे घर में इस दीपक की आरती दें, इससे घर में सुख शांति आती है। चलिए अब बात करते हैं उन खास शब्दों की जो कि आपको सुबह के समय बोलने चाहिए। रोज सुबह उठकर अपने दोनों हाथ की हथेलियों को कुछ क्षण देखें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग यानी मणि बंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। हथेलियों को देखते समय आपको ये मंत्र बोलना है जो कुछ इस प्रकार है, करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब हथेलियों को तीन बार चेहरे पर फेरें। इससे न केवल भाग्य चमक उठेगा बल्कि आपके जीवन में आपको शुभ देखने को मिलेगा, भगवान की कृपा बरसेगी और हर काम आपका बनने लगेगा। आपको रोजाना इस एक बात को अपनी आदत बना लेना है। दोस्तों, इसमें आपका कोई खास खर्च नहीं आएगा, कोई विशेष सामग्री की भी आपको जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है जिसमें आपका बहुत समय लगेगा। बस सुबह उठकर हथेलियों को देखकर ये मंत्र बोलना है और उसके बाद तीन बार हथेलियों को अपने चेहरे पर फेरना है और बस फिर आप खुद ब खुद कुछ ही दिनों में अपने जीवन में फर्क महसूस करेंगे। इसके अलावा सुबह भोजन के लिए बनाई जा रही रोटियों में से पहली रोटी गाय को दे। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर रोज गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूरी करने में आपकी मदद करेंगे। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। रोजाना ऐसा करेंगे तो जल्द ही आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी, हर हर महादेव।